Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है क्या। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे कि बहुत ही वन ऑफ दी लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट हमारे यहाँ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और जब से COVID-19 आया है उसके बाद से इस इंडस्ट्री का महत्व और भी बढ़ गया है। जैसा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सुर्खियों में बने रहने वाली है। और चलिए देखते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है क्या। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वर्ल्ड में 50% से ज़्यादा, जो कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है, उसमें करीब 50% का मार्केट शेयर है। जी हाँ, इंडियन फार्मास्यूटिकल जो शेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो 200 से ज़्यादा कंट्रीज में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, और वन ऑफ द लीडिंग जेनेरिक ड्रग्स की मार्केट जो है उसका वन ऑफ द लीडिंग हमारा मार्केट शेयर है दुनिया के अंदर। लेकिन ये इंडस्ट्री इस तरह से ग्रो नहीं हुई है। जैसा कि अगर 1969 की हम बात करें तो करीब 95% मार्केट शेयर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के हाथ में होता था, और फिर 5% मार्केट शेयर डोमेस्टिक कंपनियों के पास था टोटल, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करते हैं तो सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। करीब 85% मार्केट शेयर हमारी डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास में है, और फिर 15% मार्केट शेयर फॉरेन प्लेयर्स के पास में। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने किस तरह का ग्रोथ पिछले दशकों में दिखाया है, और आगे आने वाले टाइम में भी यही चीजें बनी रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर जो कि वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनीज है, और जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक योगदान दिया है पूरी फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहली कंपनी जो निकल के आती है वो है सन फार्मास्यूटिकल। जी हाँ, 1983 में दिलीप संघवी जी के द्वारा बनाई गई कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर है बम्बई में, और जिसका रेवेन्यू था सन 2020 में $4.7 बिलियन, और ये वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया के अंदर। और इस कंपनी को कहा जाए कि इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली स्पेशलाइज्ड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी आप कह सकते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं 150 से ज्यादा कंट्रीज में 6 कंटिनेंट्स के अंदर एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है अगर हम बात करें रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जो कंपनी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में है वो है डिवीज लैब, जो कि 1990 में बनाई गई थी मुरली डिवीज के द्वारा। हैदराबाद बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है, और इसका सन 2020 में जो रेवेन्यू था वो था $780 मिलियन। जी हाँ, ये कंपनी भी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रालिटिकल इंग्रीडियंट्स कस्टम सिंथेसिस ऑफ API और इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लोबल इनोवेटर कंपनीज के अंदर इसका एक स्थान बना होता है, और ये भी करीब 95 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगली जो कंपनी है वो है डॉक्टर रेड्डी। जी हाँ, 1984 में डॉक्टर अंजी रेड्डी के द्वारा हैदराबाद बेस्ड कंपनी, जिसका सन 2020 में रेवेन्यू था $2.4 बिलियन, और ये कंपनी भी 190 से ज्यादा मेडिकेशंस बनाती है, और 60 से ज्यादा इनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स बनाती है क्रिटिकल केयर्स के लिए, और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी ये बनाती आई है। और इस कंपनी ने भी लगातार एक अपना स्थान बनाया हुआ है लीडिंग कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सिप्ला। 1935 में यूसुफ हमीद के द्वारा बनाई गई कंपनी, जिसका रेवेन्यू था सन 2020 में $2.5 बिलियन, और ये कंपनी भी काफ़ी एक लीडिंग कंपनी है। करीब 22,000 से ज़्यादा इसके अंदर इम्प्लॉयज काम करते हैं, और इसके प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो ये रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, एथराइटिस, डायबिटीज, वेट कंट्रोल, डिप्रेशन और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं, और कई कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट्स भी करती हैं। नेक्स्ट जो कंपनी आ रही है हमारे पास निकल की वो है बायोकॉन। जी हाँ, 1978 में किरण मजूमदार शॉ के द्वारा बनाई गई कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। सन 2022 क्वार्टर 3 में इनका रेवेन्यू था $296 मिलियन,
और इस कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट भी लगातार वर्ल्ड के हर एक आप कहें कंटिनेंट में सेल होते हैं और 9000 से ज्यादा एम्प्लॉय इसके अंदर काम करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। अगली जो कंपनी है वो है अहमदाबाद बेस्ड सुधीर मेहता द्वारा बनाई गई कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल, जिसका रेवेन्यू है सन 2021 में $168.12 मिलियन। और ये जो बनाती है इनके जो मेनली ड्रग्स होते हैं जो ये बनाती हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन पेन मैनेजमेंट और एंटी इफेक्टिव सेगमेंट्स में काफ़ी लीडिंग जो मेडिसिन आती हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती आई हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है लुपिन फार्मास्यूटिकल, जी हाँ मुंबई बेस्ड कंपनी जो कि 1968 में मिस्ट्रेस गुप्ता द्वारा बनाई गई थी और जिसका FY 2020 में रेवेन्यू था $2.2 बिलियन। और ये कहा जाए कि वन ऑफ दी वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया के अंदर और ये पेडियाट्रिक्स कार्डियोवैस्कुलर एंटी इफेक्टिव डायबिटीटोलॉजी अस्थमा और एंटी ट्यूबरकुलोसिस में काफ़ी अच्छे मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती आई है। और इसका जो मेजर मार्केट है वो है USA, इंडियन रीजन्स और यूरोप, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये लगातार अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती आई है। नेक्स्ट जो कंपनी है बहुत ही शानदार कंपनी है ये भी है अरविंदो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि डॉक्टर रेड्डीज बदर के द्वारा बनाई गई थी, हैदराबाद बेस्ड और FY 2022 में इसकी जो रेवेन्यू था वो था $3.3 बिलियन। और ये 125 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपना एक्सपोर्ट करती है 300 से ज्यादा प्रोडक्ट और इट इज द सेकेंड बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो है न्यूरोसाइंस, कार्डियोवैस्कुलर, एंटी ट्रोबलोसिस और एंटी डायबिटिक जैसे प्रोडक्ट्स ये बनाती आई है। तो एंड लास्ट जो कंपनी हम इसमें कवर कर रहे हैं वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जी हाँ 1977 में बनाई गई कंपनी, मुंबई बेस्ड, जिसका रेवेन्यू है $416 मिलियन सन 2022 में। एंड इस कंपनी ने भी थेरोपेटिक जो एरियाज होते हैं जहाँ जिसको हम कहते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी और ऑन्कोलॉजी के अंदर ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्ट प्ले करती है अपने ड्रग डिस्कवरी के द्वारा। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट जो होते हैं कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड भी बनते आए हैं और मेजर फार्मा कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करके भी ये नए नए ड्रग्स जो है लगातार मार्केट के अंदर लाती रही है और अपना एक इसने अच्छा स्थान बना रखा है। तो दोस्तों ये थी कुछ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए पिछले 4 से 5 दशकों के अंदर। और लगातार ये कंपनियां एक अच्छे सुर्खियों बनी रही हैं, नए प्रोडक्ट कंपनीज इनोवेट करके लाती रही हैं अलग अलग डिजीज के लिए। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर द ओवरव्यू सेक्शन ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।